भारत में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगने के फैसले के बाद ही पश्चिमी देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं और इन मुश्किलों के असर को बताती हुई तस्वीरें अमेरिका से आती दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में रहने वाले बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी अमेरिका के महानगरों में मौजूद मार्ट, जहां पर वो अपनी जरूरतमंद का सामान लेते हैं, बड़ी संख्या पर पहुँचने लगे हैं। भारत सरकार के चावल के बैन के फैसले के बाद उन मार्टों में, उन हिस्सों में पहुंच रहे हैं जहां पर चावल का स्टॉक मौजूद है और वहां लगभग लूट की स्थिति देखने को मिल रही है। आलम यह है कि भारतीय वहां मौजूद चावल के ज्यादा से ज्यादा बोरे अपने साथ ले जाना चाहते हैं और इसी कड़ी में देखने को मिल रहा है कि भारतीय मार्ट्स में पहुंच रहे हैं। भारत सरकार के फैसले की कुछ देर बाद ही अमेरिका में ये तस्वीरें देखने को मिली। लंबी लंबी कतारें मार्ट के बाहर दिख रही हैं, मार्ट्स के बिलिंग काउंटर में दिख रही हैं। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका में रहते हैं, अलग अलग पेशों में इन्वॉल्व हैं, उनकी जो आमदनी है उसकी चर्चाएं भारत में होती है, भारतीयों की सफलता की चर्चा होती है। अब जब ये फैसला हुआ है तो इन तस्वीरों को देखिए, कैसे मार्ट में जिस हिस्से में चावल की बोरियां रखी हैं वहां लोग पहुंच रहे हैं, ऊंचाई पर भी जो चावल की बोरियां हैं लोग चढ़ जा रहे हैं और अपने आप चावल की बोरियों को छीना झपटी करते हुए अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलिंग काउंटर के बाहर जो लाइन है, जो लोग अपने कार्ट्स लेकर खड़े हैं, अगर कार्ट में तस्वीरों को देखेंगे तो चावल की बोरियां भरी हुई दिखाई दे रही हैं। कई जगह पर तो राशनिंग कर दी गई है, बिलिंग काउंटर्स पे लिख दिया गया है कि एक आदमी को एक ही बोरी मिलेगी। लोग अपने साथ ज्यादा से ज्यादा चावल की बोरियां लेकर जाना चाहते हैं, गाड़ियों में चावल की बोरियां रख रहे हैं। चावल को लेकर ये स्थिति क्यों बनी है, चावल की बोरियों को ले जाने के लिए लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत सरकार के बैन का असर बढ़ती कीमतों को लेकर पड़े, कीमतें स्टॉक की बढ़ें उससे पहले ही वो अपने पास ये सब रख ले। अब जानिए इसका कारण क्या है, क्यों भारत के बाहर रहने वाले ये प्रवासी भारतीय अमेरिका में खास तौर पर चावल की बोरियों पर इस तरीके से टूट पड़े हैं। दरअसल गैर बासमती चावल निर्यात पर सरकार ने लगाई है पाबंदी और कीमतें तेजी से ना बढ़े इसके चलते ये फैसला लिया गया है। दरअसल आने वाले त्योहारी सीजन में चावल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी। कुछ शर्तों के साथ निर्यात की अनुमति रहेगी। सरकार का यह फैसला खुदरा कीमतों को काबू करने के मद्देनजर है। अहम बात जानने वाली यह है कि अगर अधिसूचना से पहले जहाजों में चावल की लोडिंग हो चुकी है तो उसमें निर्यात की मंजूरी रहेगी। साथ ही उन मामलों में भी निर्यात रहेगा जहां सरकार ने दूसरे देशों को इसकी इजाजत दे रखी है। सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को देखते हुए उपरोक्त मंजूरी दी है। पिछले 10 दिन में देश में चावल की कीमतों में 20% की तेजी आई है। पिछले साल सितंबर में सरकार ने टूटे हुए चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी, साथ ही कई तरह के चावल के निर्यात पर 20% की ड्यूटी भी लगाई थी। 14 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक खरीफ की बुआई 2% कम हुई है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश की वजह से फसल की कम बुआई हुई है। सरकार के फैसले से 80% चावल के निर्यात प्रभावित हो सकता है। इससे देश में तो चावल की कीमत रहेगी, गिरावट के चलते दुनिया भर में भी चावल की कीमतें बढ़ेंगी। भारत दुनिया में चावल का एक बड़ा निर्यातक है, भारत की 25% चावल निर्यात में हिस्सेदारी है। इन सब बातों को देखते हुए ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि चावल भारतीयों के खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय अमेरिका में आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके त्योहारों में चावल की विशेष भूमिका है। यही कारण है कि ये कतारबद्ध होकर खड़े हैं और चावल की बोरियां अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस मामले को लेकर विदेशी व्यापार महानिदेशक ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक गैर बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति के मुक्त में प्रतिबंध लगाया गया है। बयान में कहा गया है कि चावल की घरेलू कीमतें बढ़ रही हैं, खुदरा कीमतें एक साल में 11% और पिछले महीने में 3% तक बढ़ गई हैं। उपभोक्ताओं के लिए कीमतें तय होंगी। गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध से देश में उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम होंगी। गैर बासमती चावल और बासमती चावल के निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाभकारी कीमतें मिले। हालांकि इस चावल की खेप में कुछ शर्तों के साथ निर्यात करने की अनुमति भी है। अब थोड़ा आंकड़ों की बात करते हैं। 15.54 लाख टन सफेद चावल का निर्यात चालू वित्त वर्ष में पहले तिमाही में कुल करीब 15.54 लाख टन निर्यात किया गया है। एक साल पहले समान अवधि में 11.55 टन की तुलना में 35% की तेजी आई है। घरेलू बाजार में चावल की खुदरा कीमतें एक साल में 11% और एक माह में 3% तक बढ़ी हैं। 2022-23 में चावल के निर्यात का मूल्य $42 लाख था, इससे पहले के साल में $26 लाख था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।